नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एडवर्टीजमेंट नंबर 6 एग्जाम 2022, जिसको कि फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर परीक्षा 2022 का जो है आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट जो है जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोगों ने भी इसके आवेदन किए थे वो अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिजल्ट देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उनका जो है जो कट ऑफ है वो मेंस एग्जाम के लायक है कि नहीं। तो नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है कट ऑफ भी जो है जारी किया है यूपी ट्रिपल एससी ने। ये देख सकते हैं कट ऑफ आपकी स्क्रीन पे, जिसमें जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी का जो है कट ऑफ जो है जारी किया गया है। अब बात करते हैं रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, रिजल्ट चेक करने का लिंक आपको sarkaririzult.com और rozgarrizult.com पर मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे अभी आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखेगा, आपको इस वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जी हाँ दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर वाला आपने जो है फॉर्म भरा था उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और जेंडर पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे जो अपना सबसे पहले जो है अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल दिया है मैंने, माफ कीजिएगा, मैंने ये जो कैप्चा है उसको डाल दिया है, जो आपका हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको मैं डाल देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको एक चीज और बता दूं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या तो आप भूल चुके हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे देखेंगे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन है, आपको इस पे जाना है, अपना नाम पिता का नाम डालना है और आप जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, जेंडर जो है कैंडिडेट का वो डाल दिया है और यहाँ पे जो कैप्चा आ रहा है उसको एज इट इज डालना है। उसके यहाँ पे आपको छोटा सा बटन दिखाई देगा जिसपे लिखा है सी रिजल्ट, आपको इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे आप सी रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हो यूपी ट्रिपल एससी लिख के आ जाएगा, आपका जो एडवर्टीजमेंट नंबर पोस्ट नेम लिख के आ जाएगा, यहाँ पे नाम पिता का नाम आपकी कैटेगरी आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ और नेटिव स्टेट आ जाएगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। और दोस्तों, एक चीज और बता दो, जो भी लोग इसमें क्वालिफाइड है जैसे कि आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट का मैं चेक करो उसमें लिखा है स्टेटस यू आर एलिजिबल टू फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो जो लोग क्वालिफाइड उनको फीस पेमेंट करना जरूरी है, अगर आप इसका फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो जब इसकी परीक्षा होगी तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी रिजल्ट है, मेंस की परीक्षा में भाग लेने के लिए आपको इसकी फीस पेमेंट जरूरी है। तो फीस पेमेंट का लिंक उसी के ठीक नीचे दिख रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं इसका फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, इस वाले लिंक पर क्लिक करते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, जेंडर आपको डालना है, यहाँ पे आपको कैटेगरी डालनी है, साथ ही साथ जो कैप्चा आ रहा है इस कैप्चा को आपको एज इट इज जो है डाल देना है फीस पेमेंट के लिए। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इनके आपको बता दे, अगर आपका जो फीस पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट से पेमेंट कट गया है और वहां पे अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अपडेट योर फीस पेमेंट का ऑप्शन है, आप उस पे जाके जो अपने फीस को जो है दोबारा वेरीफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसका पेमेंट अपन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट करेंगे उसकी रसीद जो निकलेगी उसको आपको निकाल के रखना है, ताकि आपको भविष्य में उसकी जरूरत पड़े तो आप जो उसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।